बदमाश युवकों ने दो दोस्तों को चाकू से गोद दिया। एक युवक की हालत चिंताजनक बताई गई है, जिसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरा युवक फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद इलाके की। ये पूरी घटना सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस को दे दिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सीसीटीवी में चाकूबाजी का ये नजारा ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 77 में केएलजी सोसाइटी का, जहां पर बीती रात कुछ लोग दो दोस्तों पर मामूली सी विवाद के चलते चाकू से गोद लेने की घटना को अंजाम दे दी। फरीदाबाद के अस्पताल में दाखिल रोहित की माने तो उसके दोस्त के बुलाने पर वहां केएलजी सोसाइटी में उससे मिलने गए। वहां पर बुलेट मोटरसाइकिल पर खड़ा एक युवक शराब के नशे में उन्हें गंदी गंदी गाली गलौज करने लगा। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वहां पर और भी काफी युवक आ गए और सभी ने मिलकर उसे तथा उसके दोस्त को चाकू से गोद दिया। गोदने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। इसकी माने तो उसका दोस्त जिंदगी और मौत की सांसें ले रहा है, जिसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दाखिल करवाया गया। रोहित जी, वहां पे मैं गया था, मेरे दोस्त ने बुलाया था मेरे को केएलजी पे, फ्लैटों में सामान लेने शादी थी, तो वहाँ पे जाके हम खड़े होके एक लड़का था बुलेट पे, उसने दारू पी रखी थी। वो बोल रहा है कौन है, चम मारो मारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या है इनकी भैया, क्या हो गया, क्या बात होगी। तो उनने आते ही डायरेक्ट मेरे पे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारते मेरे साथ एक लड़का था प्रिंस, उसमें चक्कू मार दिया पहले, फिर उसने दोबारा मेरे में मार दिया। ठीक है, तो वो बोल रहा तुम्हारे से यहाँ पे मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम कौन हो, कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, ऐसे ऐसे बोलने लगा। फिर हम अपना बचाव करके वहाँ से चले आए। वो दो बंदे थे, FIR दर्ज होगी, पर जी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। वहीं फरीदाबाद पुलिस के PRO सूबे सिंह की माने तो पुलिस को शिकायत मिल गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। ये नहरपार एरिया का मामला है केएलजी सोसाइटी का, जिसमें दो लड़के जो प्रिंस और रोहित, इनके साथ जो कुछ तीन चार लड़के थे बाहर के, उन्होंने कुछ नोकझोंक करी, कुछ तुतुमे में हुई, फिर नोकझोंक बढ़ती, इन्होंने उनको चाकू मारा है, इसमें उनको चोट लगी है। युवक एडमिट है और उनके परिजनों की शिकायत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा।